ये हैं आर्कटिक रैबिट, बेहद खूबसूरत और प्यारे। ये उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े खरगोश हैं। इनके पैरों पर पाए जाने वाले पंजे सामान्य खरगोशों के पैरों पर पाए जाने वाले पंजों से बड़े होते हैं। खतरा महसूस होने पर ये भारी से भारी बर्फ को खोदकर उसमें अपना बिल बना सकते हैं। ये कंगारुओं की तरह अपने पिछले पैरों पर कूद सकते हैं। 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कूद सकने की क्षमता रखने वाले आर्कटिक रैबिट गर्मियों में भूरे या नीले और सर्दियों में सफेद रंग के हो जाते हैं। प्रजनन के बाद नन्हे शावक खुली आंखों और सफेद फर के साथ पैदा होते हैं। जन्म के कुछ समय बाद ही आर्कटिक रैबिट दौड़ने और कूदने में सक्षम हो जाते हैं। सर्वाहारी आर्कटिक रैबिट पौधे, लाइकेन, जामुन की पत्तियां और छाल को खाते हैं, लेकिन इन्हें मछली और बारहसिंगे के पेट की सामग्री को भी खाते हुए पाया गया है। आर्कटिक रैबिट वर्ष भर सफेद रंग के ही रहते हैं। इनका मोटा ओट और चमकदार फर इंसुलेटेड होते हैं। जब मौसम बेहद सर्द हो जाता है और हवाएं ठंडी चलने लगती हैं, तो ये खरगोश बर्फ के नीचे खोदी गई सुरंगों में छिपकर रहते हैं। झुंड में रहने वाले आर्कटिक रैबिट अपने दुश्मनों को चकमा देने में माहिर होते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाने वाले आर्कटिक रैबिट अपने दुश्मनों को थका देते हैं। आर्कटिक रैबिट ग्रीनलैंड और कनाडा से लेकर न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर तक फैले होते हैं। 10 से 60 के समूह में रहने वाले आर्कटिक रैबिट 300 के समूह में भी पाए जाते हैं। अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर आगे के दोनों पैर अपनी छाती से सटाकर ये अपने दुश्मनों की आहट का पता लगाते हैं। बहुपत्नी प्रथा के शौकीन आर्कटिक रैबिट 50 दिनों के गर्भकाल के बाद 2 से 8 बच्चों को जन्म देती है। आर्कटिक रैबिट की पलकें काली होती हैं, जो उन्हें तेज रोशनी से बचाती हैं। खरगोश अपने सिर को हिलाए बिना 360 डिग्री तक देखने में सक्षम होता है। आर्कटिक खरगोश 6 फीट की ऊंची छलांग लगा सकते हैं।